गैंगस्टर नहीं दरिंदा था, जिस लड़की पर पड़ती थी नजर उसी को बना लेता था शिकार। जब उसकी मौत आई तो ना पुलिस बचा पाई ना कोई नेता, भरी अदालत में जज के सामने ही कर दी गई थी हत्या। कहानी कालीचरण उर्फ अक्कू यादव के आतंकी जो अतीक अहमद का भी बाप था। अतीक अहमद, अशरफ अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, सुंदर भाटी, सुनील राठी और ऐसे ही ना जाने कितने गैंगस्टर के किस्से कहानियों ने आपके होश उड़ाए होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस गैंगस्टर के बारे में बताने जा रहे हैं वो कोई आम अपराधी नहीं बल्कि दरिंदा था। महज 10 साल के अंदर उसने हत्या, लूट, रंगदारी, डकैती, रेप, गैंग रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। जिस भी लड़की पर उसकी नजर पड़ जाती उसको अपनी हवस का शिकार बनाकर ही छोड़ता। लेकिन वो कहते हैं ना, हर किसी के पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। उसका भी भरा और फिर वो हुआ जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। सरेआम भरी अदालत में जज के सामने 300-400 महिलाओं ने उसे चाकुओं से ऐसा गोदा कि वो तड़प तड़प कर वहीं मर गया। हम बात कर रहे हैं कालीचरण उर्फ अक्कू यादव की। ये बात है 13 अगस्त 2004 की, यानी आज से ठीक 19 साल पहले की। अक्कू को नागपुर अदालत में पेश किया गया। सीरियल किलर अक्कू की जिस वक्त सुनवाई हो रही थी उस वक्त उसे लोहे के दरवाजे में कैद करके रखा गया। उसके साथ सिर्फ 2 पुलिस कांस्टेबल थे। बताया गया कि जिस वक्त सुनवाई हो रही थी अचानक से 200 से 400 महिलाएं कोर्ट में दाखिल हुई। उनके हाथ में पत्थर, कांच की बोतलें, मिर्ची पाउडर और कई तरह के हथियार थे। साफ था कि ये भीड़ अक्कू को मौत की घाट उतारने के लिए ही आई थी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अक्कू को दिनदहाड़े वहीं पर काट दिया गया। उसके शरीर पर चाकू के घाव मारे गए, उसमें मिर्च डाली गई, यहां तक कि एक महिला ने तो उसका प्राइवेट पार्ट तक काट दिया। अब सवाल यह कि आखिर अक्कू यादव को इतनी बुरी मौत क्यों दी गई? बताया जाता है कि जिस वक्त अक्कू को पेशी के लिए लेकर जाया जा रहा था उस वक्त उसकी नजरें एक ऐसी महिला पर पड़ी जिसका उसने कुछ वक्त पहले रेप किया था। महिला पर निगाह पड़ते ही अक्कू ने उसे गाली दी और कहा कि आ रहा हूं बाहर, आकर फिर से तेरा रेप करूंगा। ये सुनते ही महिला ने अपने पैर से चप्पल निकाली और अक्कू को पीटने लगी। महिला ने साफ कहा कि या तो इस धरती पर तू रहेगा या फिर मैं। खैर, पुलिस ने बीच बचाव कराया और अक्कू को पेशी पर लेकर जाने लगे, लेकिन ये क्या, देखते ही देखते 400 की संख्या में महिलाएं उस पर टूट पड़ी। अक्कू पर 70-75 बार चाकुओं से वार किया गया और वहीं पर मौत के घाट उतार दिया गया। जिस वक्त महिलाएं उस पर हमला कर रही थी अक्कू जोर जोर से चिल्ला रहा था, माफी मांग रहा था और कह रहा था कि फिर से कभी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। इतना ही नहीं, यादव की इस हत्या के बाद सभी महिलाओं ने अपनी बस्ती में जाकर ढोल नगाड़ों की थाप पर जश्न मनाया था। महिलाओं ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि उसको रिहाई मिल जाएगी और हम उसका विरोध करने के लिए गए थे, लेकिन जिस तरह से उसने धमकी दी उसके बाद पूरा घटनाक्रम हुआ। हैरानी की बात देखिए, इलाके में रहने वाली हर महिला ने लिंचिंग की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस ने इस मामले में 5 महिलाओं को गिरफ्तार भी किया, लेकिन पूरा इलाका इसके विरोध में सड़कों पर उतर आया, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। वहीं अब जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ को मौत के घाट उतारा गया उसके बाद तुरंत अक्कू यादव की चर्चा शुरू हो गई। लोगों का कहना है कि अक्कू तो अतीक का भी बाप था। सोचिए, दूधियों के परिवार से ताल्लुक रखने वाला अक्कू महज 10 साल में क्राइम की दुनिया में बादशाह बन गया। 1980 से 90 के दशक में उसने कई लड़कियों को अपना निशाना बनाया। एक कलमा नाम की महिला ने, जिसका रेप यादव और उसके गुर्गो ने तब किया था जब उसने 10 दिन पहले ही अपने बच्चे को जन्म दिया था। बाद में कलमा ने मिट्टी का तेल छिड़क कर खुद को आग लगा ली थी। इसके बाद यादव और उसके गुर्गो ने एक ऐसी ही महिला का रेप किया जो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। मतलब ये कि पूरा गैंग महिलाओं का रेप करने के लिए ही उनका अपहरण करता था। इलाके के लोगों ने यादव के आतंक से परेशान होकर बहुत हिम्मत करके पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन हैरानी की बात ये कि पुलिस भी यादव के साथ ही थी, लिहाजा कोई एक्शन नहीं लिया गया। थक हार कर लोग अक्कू के घर को जलाने के लिए पहुंच गए थे। ऐसे में यादव को लगा था कि अगर इन लोगों से बचना है तो खुद की गिरफ्तारी देनी होगी। यादव को उम्मीद थी कि वो आराम से छूट जाएगा। जैसे पहले कई बार वो अपनी मर्जी से जेल जाता रहा और बाहर आता रहा,
लेकिन इस बार जब उसे कोर्ट लेकर जाया जा रहा था तो उसे नहीं पता था कि ये उसका आखिरी दिन होगा। कोर्ट में उस दिन जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले आपको करके बताया है। यही दिन अक्कू यादव के लिए आखिरी साबित हुआ और यहीं से यादव का आतंक भी खत्म हो गया।